दो दिन पहले लखनऊ में स्थित फाई टावर को अवैध घोषित किया गया था। फाई टावर पर बने दो फ्लोर अवैध घोषित कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जानी थी। एलडीए ने नोटिस भी जारी किया था कि ये टावर अवैध रूप से बनाए गए हैं। इस टावर के मालिक मुख्तार अंसारी के करीबी बिल्डर सिराज अहमद बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्तार अहमद के करीबी बिल्डर शोएब इकबाल, मोनिस इकबाल, सिराज अहमद और माइकल इनके खिलाफ कैसरबाग में FIR भी दर्ज है। गौरतलब है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने मुख्तार अंसारी के करीबी बिल्डर के FI हॉस्पिटल को सील कर दिया है। यह अस्पताल लखनऊ में बर्लिंगटन क्रॉसिंग पर स्थित है। ये पूरा मामला 24 दिसंबर को शुरू हुआ था और कल खत्म हुआ। आपको बताते चले कि लखनऊ हाईकोर्ट की बेंच ने इस ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस राजन राय और जसप्रीत की बेंच ने LDA को चेयरमैन और लखनऊ कमिश्नर को फटकार लगाई और तत्काल ध्वस्तीकरण रोकने का आदेश दिया। छुट्टी के दिन फाई टावर में रह रहे लोगों ने हाईकोर्ट बेंच में स्पेशल अपील की, जिसके तहत लखनऊ हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगाई। LDA के द्वारा 7वां, 8वां और 9वां मंजिला को अवैध बताया गया था, जिस पर LDA कार्रवाई करने वाला था। नीचे का तमाम गैराज को LDA के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। अब फाई टावर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को रोक लगा दिया गया है और बायर्स के हक में फैसला सुनाया गया है। अब देखना यह है कि आगे क्या होगा और क्या LDA फिर से डराएगा फाई टावर में रहने वाले लोगों को।